hello students i'm dr amit bhatnagar working as professor in the department of agronomy at gb pant university of agriculture and technology Parnagar, uttarakhand what is the concept of nutrient mobility in soil why some nutrients are highly mobile and available to the plants while some are less mobile and some nutrients like phosphate ions are immobile so what is the reason what is the science behind this uh, mobility and uh, availability so nutrients are inorganic ions Uh, जो भी न्यूट्रेंट होते हैं जिसको हम न्यूट्रेंट कहते हैं दीज न्यूट्रेंट्स आर इनऑर्गेनिक आयन एंड आयन्स एज वी नो कि आयन क्या होते हैं जब किसी एटम या मॉलिक्यूल से वेन दर इज अ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म द आयन सो आयन इज द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और आइटम विद एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन या तो बाहर से आ जाएँ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दैन देर इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैन दिस बिकम नेगेटिव एंड इफ दर इज अ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ऑर्बिट से बाहर वाले से तो वो पॉजिटिव हो जाता है दैट इज कैटायन सो आयन्स इफ पॉजिटिवली चार्ज दैन दिज आर दैटायंस दिज आर पॉजिटिवली मीन्स दे हैव डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दिस इज द केमिस्ट्री एंड इफ़ इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल अगर नॉर्मल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाए एक्सेस हो जाए तो ये निगेटिव एनायंस होते हैं सो so, न्यूट्रिय में भी कैटाइन और एनाइंस एंड कैटाइंस लाइक अमोनियम अमोनियम कैल्शियम मैगनीशियम पोटेशियम जिंक कॉपर मैगनीज दीज आर दी कैटाइंस लूज द इलेक्ट्रॉन वाइल एनाइंस आर नाइट्रेट नाइट्रेट एच टू पी ओ फोर प्राइमरी आर्थोफॉसफेट आयन एच पी ओ फोर डबल माइनस दट इज सेकेंडरी आर्थोफॉसफेट आयन सल्फेट आयन क्लोराइड आयन बोरेट आयन दीज आर दस सो प्लांट एब्जॉर्व आइर कैटाइन और एनाइन तो प्लांट जो एब्जॉर्व करते हैं वह तो कैटाइन को करते हैं या एनाइन को करते हैं तो एस सच मॉलिक्यूल को एब्जॉर्व नहीं करते हैं तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल और एटम मस्ट बी इन आइनिक फॉर्म जब तक तो वो आइनिक फॉर्म में नहीं होगा तब तक तो उसको एब्जॉर्व नहीं करेंगे सपोज ये जैसे सी एस ओ फोर सी एस ओ फोर है और जब तक तो वो कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन में नहीं टूटेगा प्लांट उसको एब्जॉर्व करेगा यूरिया है यूरिया तक नहीं टूटेगा अमोनियम आयन में उसको एब्जॉर्व नहीं करेगा डी ए पी जब तक अमोनियम और फॉस्फिट आयन में नहीं टूटेगी प्लांट विल नॉट एब्जॉर्ब सो आयन देर शुड बी आयन इन सोल्यूशन दैन प्लांट एब्जॉर्ब तो किसी भी कंपाउंड का किसी भी मोलिक्यूल का आयनिक फॉर्म में होना जरूरी है बिनायनिक फॉर्म में नहीं हो सकते एंड देन दे कम इन टू द सॉयल सोल्यूशन एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉयल पार्टिकल क्लेब पार्टिकल सपोज दिस इज द क्लेप पार्टिकल एंड द क्लेब पार्टिकल कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्सिट्यूशन एंड आर सम पी एस डिपेंडेंट चार्ज एंड दे आर लिटिल पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है कि क्ले पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है बट देर इज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सो इट इज़ नेगेटिवली चार्ज टोटल इट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिमिलर सपोज दिस इज वन सॉइल पार्टिकल मान लीजिए एक सॉइल पार्टिकल है और ये भी इसके साथ कॉन्टैक्ट uh, में है मान लीजिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है दीज आर नेगेटिव चार्जेस एंड देर आर लिटिल पॉजिटिव चार्ज बट द ओवरऑल देर इज अज क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज सो नाउ दीज आर कैटायन एंड दिस इज दिस नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए अन तो अब ये बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज मीस दीज आर द कटाइन एंड निगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल और क्लाइड पार्टिकल और हूमस पार्टिकल कुछ भी मान सकते हैं इसको क्ले मान लीजिए क्लाइ मान लीजिए ह्यूमस मान लीजिए इस नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्जिंग सोल्यूशन क्या होगा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है सो दिस एंड दिस अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टेटिक मीन्स इट इज नॉट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस बिटवीन दिस कैटायन एंड द सॉयल पार्टिकल्स सो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्ले पार्टिकल और ह्यूमस पार्टिकल तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सर्फिस पर आ जाते हैं बट दिस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज नॉट ह्यूज फोर्स इट इज नॉट वेरी टाइट फोर्स ये बहुत टाइट फोर्स नहीं होता है ये इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स जो होते हैं वीक फोर्स होते हैं और चूंकि वाटर भी है इसके बीच में तो यह सॉल सोल्यूशन में भी आ जाते हैं तो क्या होता है ये आयन आर प्रेजेंट समाइम्स ऑन क्ले पार्टिकल एंड समाइम्स इन सॉल सोल्यूशन सो देर इज अमिक इक्वलर एम बिटवीन दी सॉल सोल्यूशन एंड

तो का होंगे मोस्ट ऑफ द आर ऑन क्ले पार्टिकल एंड वेरी लेस अमाउंट इज प्रेजेंट इज इन सॉइल सॉल्यूशन तब जब सॉइल सॉल्यूशन में इनकी अमाउंट क्या होगी होगी कम होगी जब सॉइल सोल्यूशन कम होगी एज द वाटर मूव्स जैसे वाटर मूव करेगा और वर्टिकली मूव करे या याटली मूव करे तो इनका मूवमेंट भी क्या होगा कम होगा दैट्स वाई देयर मोबिलिटी इज लेस लेस मोबिलिटी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट्स वाई कैटाइन मोबिलिटी मोबिलिटी एंड सिंस मोबिलिटी इज लेस दैट्स वाई देअर एबिलिटी टू प्लांट इज लेस बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द द विदर जब भी कोई न्यूट्रेंट एबजॉर्ब uh, होता है प्लांट से वो वाटर के साथ ही होता है एज सच नहीं होता है कोई न्यूटेंट वेदर इट इज अ मास फ्लो और इट इज अ डिफ्यूजन वाटर इज मस्ट सो विदाउट वाटर देर इज नो न्यूट्रेंट एब्जॉर्बन सो वाटर हैज पॉजिटिव इंपैक्ट मास फ्लो के लिए वाटर चाहिए डिफ्यूजन के लिए भी वाटर चाहिए जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होता जाता है सॉइल में मॉस्च न्यूट्रेंट का अब्जॉर्प्शन कम होता है तो इसी कारण से हमको फ्रिक्वेंटली इरीगेट करना पड़ता है मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है ताकि प्लांट्स को न्यूट्रेंट मिलते रहें ये भी हो सकता है कि सॉयल में तो न्यूट्रेंट्स हो लेकिन सॉइल ड्राई हो तो उस केस में ना तो मास फ्लो होगा ना डिफ्यूजन होगा न्यूट्रेंट बहुत कम मिलेंगे नेग्लिजिबल मिलेंगे तो हमको लगता है कि हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं है लेकिन जब हम इरीगेट करते हैं देन दिस न्यूट्रेंट बिकम अवेलेबल सो दिस इज द साइंस बिटवीन द कैटायन एंड दी नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स हेयर दिए क्ले पार्टिकल अब इस माले केस में हम देखें दे दीज आर क्ले पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एंड वेरी लिटिल पॉजिटिव भी चार्ज तो जो बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है उससे तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव वाले एनाइज बट मैग्नीट्यूड इज वेरी लेस बहुत कम है तो so, ये इतने कम हुए इसको रिटेन ही नहीं कर पाएंगे इसका इलेक्ट्रोटो इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स जो है वो कम होगा लेकिन देखिए सारे कहें निगेटिव हैं ये भी निगेटिव है तो so, यहाँ क्या होगा रिपल्शन होगा दिस इज रिपल्शन बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन बिकॉज देयर इज सेम चार्ज सेम चार्ज हमेशा रिपल्शन करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन एंड अपॉजिटिव चार्ज हैव अट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हेयर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रक्शन पास में आ जाएंगे कैटाइम्स इज सर्फेस पर आ जाएंगे सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज देयर इज रिपल्शन इनको अनायंस को दूर करेगा एंड डीज एनायंस रिमेन इन सॉइल सोल्यूशन

रिएक्टिव दट वाई इट मेक द कंपाउंड इन सॉल्यूबल कंपाउंड तो कैसे कंपाउंड बना है इन सोल्यूबल बना लेता अब क्या होगा फास्ट फ्रेट हो चाहिए सॉल सोल्यूशन होना चाहिए और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फास्ट फोट सोल्यूशन में देन इट शुड भी अवेलेबल टू द प्लांट बट इट इज नॉट लाइक ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि इतना रिएक्टिव है इस सॉइल इज एसिडिक तो जो एल्यू आयरन के साथ ही कंपाउंड बना लेता है एल्यूमिनियम एंड आयरन अंडर एसिडिक कंडीशन इस सॉइल इज एल्कलाइन मतलब पी एच ज्यादा Uh, और उसमें कार्बोनेट ज्यादा हैं देन इट मेक द कंपाउंड विद द कैल्शियम इट मेक द आल्सो कंपाउंड विद द क्ले विद द क्ले विद द ऑर्गेनिक मैटर एंड इट बिकम इनसॉल्युबल सो दिस इज द रीजन दैट अमंग द ऑल द दनायंस आर अवेलेबल इन द सॉइल सोल्यूशन मेबिलिटीज आई एक्सेप्ट फॉसफोट आयन बिकॉज दिज आर हाईली रिएक्टिव तो इस कारण से फॉसफोरस की एबिलिटी बहुत कम होती है अब ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाते हैं और ये इन कंपाउंड डिसॉल्व वेरी स्लोली एंड वेरी लिटिल अमाउंट इज डिज़ोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को धीरे धीरे इसकी मात्रा घुलती जाती है और फास्ट फूड धीरे धीरे अवेलेबल होता है दिस इज द रीजन दट ऑल द क्वांटिटी ऑफ फास्टिक फर्टिलाइजर इज अपलाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग इसी कारण से हम बुआई करते समय फसल की सारा फास्ट फूड्स डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है ये फास्ट फूड जमीन में जाने के बाद क्या 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 होगा इन्सॉल्यूड कंपाउंड बनाएगा प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा धीरे 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 डिजोल्व होगा और जैसे जैसे क्रॉप की एज बढ़ती जाएगी ये धीरे धीरे डिजोल्व होता जाएगा सोल्यूशन में आता जाएगा और प्लांट को अवेलेबल होता जाएगा इसी कारण से हाईली रिएक्टिव को हम फास्फोरस uh, को uh, इसमें डाल देते हैं ऐसे कुछ जो है हाईली रिएक्टिव कॉपर भी है जिंक भी है यहां पे भी ये कॉपर जिंक जो कैटाइन है ये भी हाईली uh, रिएक्टिव है कॉपर जिंक ये भी जो है इनसॉलिबल कम्पाउंड बनाते हैं इनकी इनकेबेबिलिटी भी क्या होती है पूरी होती है तो माइक्रोट्रेन जो मेटेलिक कैटाइन है जिंक है कॉपर है मैगनीज ये भी इनसॉलिबल कंपाउंड बनाते हैं दिस इज द रीजन दैट माइक्रोट्रेन फर्टिलाइजर गेट गेट फिक्स इंड टू दॉयल

रिड्यूस uh, तो अब हमने देखते हैं अगर हम ब्रीफ में देखें कि जो uh, आयन uh, होते हैं या तो कैटायन होंगे या एनायन होंगे और उसमें से कुछ क्या हो सकते हैं हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं तो ये रिएक्टिविटी uh, और इसकी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स विल डिसाइड द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी टू द प्लांट तो हमने ये देखा कि सपोज दिस इज द क्ले पार्टिकल िटी पार्टिकल्स एंड मोबिलिटी एवेबिलिटी इन सॉयल सॉल्यूशन इज मोर सॉरी लेस ये चूंकि ये कैटाइन इसके साथ इधर को आएंगे इसके पास यहां पे आ जाएंगे कैटायन ऑन क्ले कोलाइड तो एवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी इन सॉइल सोल्यूशन एवेलेबिलिटी इन सॉइल सोल्यूशन सॉइल सोल्यूशन इज लेस एंड मोबिलिटी इज ऑल्सो लेस सो दिस इज द कॉन्सेप्ट सो कटन सो अमोनियम इज लेस एवेलेबल सो दिस इज द रीजन दैट अमोनियम इज लेस एवेलेबल पोटेशियम इज लेस एवेलेबल कैल्शियम इज लेस एवेलेबल मैग्नीशियम इज लेस एवेलेबल मोबिलिटी इज रिड्यूस ड्यू टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स क्ले पार्टिकल एंड इन केस ऑफ एन आयन अगर इसको ब्रीफ में हम समझे यही क्ले पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज है यहां पे जो है एनायंस है एनायंस एनायंस के और इनके बीच क्या होगा रिपल्शन फोर्स होगा उसको दूर भगाएगा यहां क्या था अट्रैक्शन, पास मिला रहा था यहां क्या है रिपल्शन सो दे आर इन सॉइल सोल्यूशन सो दैट्स वाई दे आर इन सॉयल सोल्यूशन एंड एवेलेबिलिटी इज मोर एवेलेबिलिटी इज मोर And they move with the water like uh, nitrate, nitrate, sulfate, chloride. They are more present in um, um, soil water. But the problem is that as the water moves, if movement is water moving so they move along with the water and they move beyond the root zone, and this is the leaching. So that's why leaching occurs uh, majorly in. एनायंस नाइट्रेट नाइट्रेट लीचिंग इज मोर एज कम्पेयर टू अदर इनकी भी लीचिंग हो सकती है लीचिंग इज पॉसिबल इफ दिस कोलाइड इज सैचुरेटेड विद ऑल द कटाइन जितने नेगेटिव साइड हैं सारी कैटाइन सेचुरेट हो जाए बहुत सारा हम सारा बहुत सारा अमोनिया हम डाल दें बहुत सारा पोटेशियम फर्टिलाइड डाल दें बहुत एम ओ पी डाल दें तो क्या होगा इसकी सैचुरट हो जाएंगी जितनी साइट है उसके बाद कहां जाएंगे सॉल सोल्यूशन में जाएंगे और जैसी वाटर नीचे मूव करेगा वो उनकी भी लीचिंग हो जाएगी सो पोटेशियम लीचिंग इज पॉसिबल अमोनियम लीचिंग इज पॉसिबल इफ दर इज एक्सेस अमाउंट सो दैट्स दट डू नॉट यूज दी एक्सेस डोज ऑफ फर्टिलाइजर ना तो हमें अमोनियम की बहुत ज्यादा एक्सेस डोज डालना चाहिए ना ही नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर की जो नाइट्रेट बनाते हैं या सल्फेट थोड़ा थोड़ा इनकी डालनी चाहिए क्यों क्योंकि ये एनाइन की लीचिंग तो बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि क्या है ये सॉइल सोल्यूशन पानी में है जैसे पानी नीचे को जाएगा नीचे चले जाएंगे सो दैट्स दट साइड इज मोर लीचिंग ऑफ एनाइन बट देर आर सम आय विच आर हाईली रिएक्टिव जो हाईली रिएक्टिव आयन्स हैं चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो अब एनायंस में देखिए क्या है एच टू पी ओ फोर प्राइमरी आर्थोफास्फेट सेकेंडरी आर्थोफास्फेट दिज आर एनायन एंड कैटायन माइक्रोन्यूट्रिय मेटालिक कॉपर जिंक मैगनीज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड बिकॉज ऑफ दिस हाईली रिएक्टिव दे मेक द केमिकल बॉन्ड अब यहाँ देखिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं यहां क्या था हेयर दिस आर नॉट मेकिंग द केमिकल बॉन्ड ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे इज मिला इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्शन तो ये जो फोर्स है बहुत वीक फोर्स होता है जैसा उन्होंने बताया था थोड़े टाइम बाद ये भी टूट जाता है सॉल्यूशन में जाते हैं फिर कुछ टाइम बाद ये उस पर जाते हैं सो इज इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस नोन एज कैटाइन आर ऑलवेज इन एक्सचेंज फॉर्म नॉट इन फिक्स्ड फॉर्म अगर ये फिक्स्ड फॉर्म में आ गए तो, तो फिर सॉल्स में कभी आएंगे ही नहीं और क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी एंड दे केमिकल बॉन्ड दे आर फिक्स्ड दे आर फिक्सड तो केमिकल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो क्या क्या करते हैं सोलसोलेशन प्रसिपिटेट कर जाएंगे या बहुत धीरे धीरे डिजोल्व होंगे तो एबेबिलिटी इज मोबिलिटी अब मोबिलिटी तो क्या होगी खत्म ही हो गई इनकी मोबिलिटी इज वेरी पुअर और वी कैन से डीज आर इमोबाइल वी कैन से डीज आर इमोबाइल एंड डिजोल्व वेरी स्लोली सो एबिलिटी इज वेरी ऐसा नहीं है एबलेबिलिटी नहीं है लेकिन एबिलिटी इज वेरी लेस एंड दे बिकम एबलेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो जो मेटालिक कटाइन है माइक्रोम फर्टिलाइजर उनको इसलिए हम डायरेक्टली सॉयल में अप्लाई नहीं करते हैं थ्रू फोलियर अपलीकेशन देते हैं क्योंकि तो हमें पता है कि क्या फिक्स हो जाएंगे और इनकी अमाउंट भी बहुत कम चाहिए थोड़ा सा डाला वो भी सारा फिक्स हो गया फास्ट फटायन की चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए 60 के जी एट्टी के जी तो हम शुरू में डाल देते हैं धीरे धीरे डिजोल्व होते हैं और प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रेंट एबिलिटी एंड मोबिलिटी सो दिस इज डिसाइडेड बाई वैदर इज ए अन आयन और कटायन नंबर वन इफ इट इज़ एनायन मोबिलिटी इज मोर कटायन एबिलिटीज़ मोबिलिटी इज़ लेस एंड एवबिलिटी इज़ लेस

नाइट्रेट बहुत सॉल्युबल रहता है उसकी लीचिंग बहुत जल्दी हो जाएगी सल्फेट की लीचिंग होगी क्लोराइड की लीचिंग हो जाएगी लेकिन एज कंपेयर टू कैल्शियम मैग्नीशियम इन सब की अमोनियम uh, इन सब की लीचिंग क्या होगी कम होगी तभी होगी जब ये सॉइल्स पूरी सेचुरेट हो जाए सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रेंट एबिलिटी एंड मोबिलिटी इन सॉयल सो अकॉर्डिंगली हमको फर्टिलाइजर इसी तरह से डालने चाहिए कि उनकी बहुत ज्यादा अमाउंट ना हो अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर बारे में डाल देंगे डेफिनेटली देर मे बी चांस ऑफ लीचिंग थैंक यू वेरी मच